आज तारीख हो चुकी है 14 मार्च। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर सभी टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है कोलकाता की तरफ से। दरअसल कोलकाता का अब आईपीएल 2024 के एडिशन का यहाँ पर टाइटल स्पॉन्सर अनाउंस हो चुका है, जहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे जहां पर ड्रीम इलेवन इस टीम का यहाँ पर टाइटल स्पॉन्सर बन चुका है। ड्रीम इलेवन अब इस टीम का नया स्पॉन्सर बन चुका है। तो इस बार आईपीएल में काफी सारी टीमों का यहाँ पर स्पॉन्सर ड्रीम इलेवन है, जहां पर हैदराबाद का, इसके साथ ही पंजाब का, इसके साथ ही यहाँ पर गुजरात का भी स्पॉन्सर ड्रीम इलेवन है। तो कुल मिलाकर ड्रीम इलेवन ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% आईपीएल टीमों की स्पॉन्सरशिप खरीद ली। वैसे कोलकाता की जर्सी आज या फिर कल में अब लॉन्च होने वाली, स्पॉन्सर फाइनलाइज हो चुका है, तो अब जर्सी भी लॉन्च होने वाली। और आपको पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले हम जर्सी यहां पर लॉन्च करेंगे और आईपीएल के टिकट्स का भी हम गिव अवे कर रहे हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेकर। हम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी की टीम का जो अनबॉक्स इवेंट 19 मार्च को होने वाला है, 5 दिन बाद जो अनबॉक्स इवेंट बेंगलोर में होने वाला है, उस इवेंट में ये टीम एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है, जहां पर अपने नाम में ये टीम बदलाव कर रही है। जो इस टीम का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, जो नाम है उसमें यहां पर बेंगलोर को बेंगलुरु ये टीम कर रही है। कुल मिलाकर अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नाम से इस टीम को जाना जाएगा। एक तरीके से किसी एस्ट्रोलॉजर ने इस टीम के ओनर्स को सेलेक्ट किया कि इस टीम को नाम बदलना होगा, तभी ये टीम आईपीएल जीत पाएगी, अदरवाइज ये टीम यहां पर आईपीएल नहीं जीत पाएगी। इस प्रकार से यहां पर ओनर्स को यहां पर सजेशन मिला। इसके बाद अब इन्होंने नाम चेंज करने का फैसला लिया। इसके साथ एक नया लोगो भी ये टीम रिवील करेगी। तो 19 मार्च में इस टीम का लोगो, इसके साथ ही इस टीम का नया नाम, नया स्पॉन्सर, सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो इस टीम का अनबॉक्स इवेंट होगा वो भी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर टेलीकास्ट करेंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स के विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक यहाँ पर आईपीएल 2024 के एडिशन से पर्सनल रीजन के चलते बाहर हो चुके, जहां पर इनको 4 करोड़ में इस टीम ने परचेस किया था। लेकिन यहां पर अपने यहां पर पर्सनल रीजन का एक बहाना करके ये आईपीएल से बाहर हो चुके। इससे पहले मार्क वुड और भी काफी सारे इंग्लैंड के खिलाड़ी, जहां पर जेसन रॉय और भी काफी सारे इंग्लैंड के खिलाड़ी यहां पर अपना पर्सनल रीजन बताकर आईपीएल से बाहर हो चुके। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड के खिलाड़ी हर साल की तरह इस साल भी धोखा यहां पर आईपीएल टीमों को दिया। वैसे आप कमेंट करके बताइए इंग्लैंड के खिलाड़ियों के खिलाफ आखिर एक्शन लिया जाना चाहिए या फिर नहीं। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है रिप्लेसमेंट्स को लेकर। दरअसल यहाँ पर अब हैरी ब्रूक की जगह दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर युवा विस्फोटक बल्लेबाज यहाँ पर जैक फ्रेसर को अपनी टीम में शामिल कर रही है। जैक फ्रेसर इस टीम में यहाँ पर रिपोर्टेडली आ रहे। इसके साथ ही कल से ही जोफ्रा आर्चर सोशल मीडिया पर काफी अधिक ट्रेंड कर रहे। जोफ्रा आर्चर भारत आ चुके बेंगलोर में, वो यहाँ पर करंटली आरसीबी के कैंप में, जहाँ पर रिपोर्टेडली वो यहाँ पर आईपीएल 2024 के एडिशन के दौरान आरसीबी, इसके साथ ही वो यहाँ पर गुजरात के साथ काम करेंगे। यहाँ पर अब 1.5 महीना वो इन दोनों टीमों के कैंप में रहेंगे, दोनों टीमों को नेट प्रैक्टिस कराएंगे, इसके साथ ही खुद भी वर्ल्ड कप की तैयारियां करेंगे। तो कोई यहाँ पर 2 या फिर 3 टीमों के साथ अब आर्चर यहाँ पर वर्क करने वाले। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपको आखिर यहाँ पर आर्चर का एक सही फैसला लगा या फिर नहीं। इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले अब रिप्लेसमेंट से, और सब कुछ हम वहाँ पर अपडेट करेंगे। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है गुजरात की तरफ से। दरअसल गुजरात टाइटंस अब नए कप्तान के साथ एक नई शुरुआत करी, इस वजह से अब आज ये टीम अपना नया एंथम यहाँ पर रिवील करेगी, रिलीज करेगी। आज इस टीम का एक नया थीम सॉन्ग, नया एंथम हमें देखने को मिलेगा, जो कि दोपहर 2 बजे मोस्ट लाइकली रिवील होगा। तो वो भी हम टेलीग्राम पर अपडेट कर लेंगे। इसीलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। छोटी से छोटी खबर, बड़ी से बड़ी खबर है, सारी खबरें हम वहाँ पर अपडेट और प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आकाश चोपड़ा की तरफ से। दरअसल आकाश चोपड़ा ने इंग्लैंड के प्लेयर्स को लेकर एक ऐसी बात कही जो कि आप सबको पसंद आएगी। इन्होंने ये यहाँ पर सभी टीमों को सलाह दी है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को खरीदने से पहले 2 बार वेरीफाई कर ले, 2 बार चेक कर ले। इन्होंने ये बताया कि जो यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर पैसे लगाते हैं, उनसे यहाँ पर ज्यादा पैसे दूसरी टीमों के खिलाड़ियों पर लगाकर उनको परचेस कर ले। वो यहाँ पर लॉयल रहते हैं, वो पूरा सीजन आईपीएल का खेलते हैं, जबकि इंग्लैंड के प्लेयर्स धोखा देकर बीच सीजन ही यहाँ पर चले जाते हैं। आप कमेंट करके बताइए आप यहाँ पर आकाश चोपड़ा की इस बात से एग्री करते हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर
बार निकल कर आती होती है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। दरअसल लखनऊ की आप अपनी स्क्रीन पर जर्सी देख पा रहे हो, जहां पर आईपीएल 2024 के एडिशन के लिए अब लखनऊ की ऑफिशियल जर्सी आ चुकी है। इस प्रकार से लखनऊ की जर्सी रही, हालांकि इस टीम की जर्सी में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं हुए। जिस प्रकार से पिछले साल इस टीम की जर्सी थी वैसी सेम एज इट इज जर्सी, सेम जर्सी में ये टीम आईपीएल खेलेगी, केवल यहाँ पर माइनर चेंजेस हुए। तो इस प्रकार से लखनऊ की जर्सी रहेगी। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसी ये जर्सी लगी, 10 में से आखिर कितने नंबर आप इस टीम की जर्सी को दोगे। अब बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती राजस्थान की तरफ। दरअसल राजस्थान कप्तान संजू सैमसन है और इस टीम के यहाँ पर विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर इस टीम के कैंप को ज्वाइन कर चुके। आप अपनी स्क्रीन पर फोटोज और वीडियोज देख पा रहे हो, कुल मिलाकर अब राजस्थान का कैंप भी शुरू हो चुका है। इस टीम के स्टार प्लेयर्स भी अब इस टीम के कैंप को ज्वाइन कर चुके। आप कमेंट करके बताइए आप आईपीएल 2024 के एडिशन के लिए आखिर अब यहाँ पर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। आईपीएल में 9 दिन का समय बचा, तो आप आईपीएल का वेट कर रहे हो या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।